भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 3 मई की प्रमुख घटनाएं। 3 मई 1715, संपूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया में दिखाई देता है, जैसा कि एडमंड हेली ने 4 मिनट की सटीकता के साथ भविष्यवाणी की थी। 3 मई 1830, दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली पहली नियमित यात्री रेलगाड़ी चलनी शुरू हुई। 3 मई 1837, यूनान में एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 3 मई 1845, चीन के कैंटर में एक थिएटर में आग लगने से 1600 लोगों की मौत। 3 मई 1911, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय के एक भारतीय लेखक, इतिहासकार और फिल्म निर्देशक हेमलेट बरेह नगरकिंटा का जन्म इसी दिन हुआ था। 3 मई 1913, दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित राजा हरिश्चंद्र, पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म रिलीज हुई, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत की। 3 मई 1920, अचला सचदेव एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में दिखाई दी, इसी दिन पैदा हुई। 3 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की अहिंसा की रणनीति के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 3 मई 1951, अशोक गहलोत, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का जन्म इसी दिन हुआ था। 3 मई 1952, पायलट बेनेडिक्ट और सह पायलट जोसेफ ओफ्लेचर के साथ पहला विमान C-47 आज के दिन उत्तरी ध्रुव पर उतरा। अभियान ऑपरेशन ऑयल ड्रम 1 महीने से भी कम समय में प्राप्त किया गया था। 3 मई 1959, भारतीय राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 3 मई 1962, एक्सप्रेस ट्रेन, एक कम्यूटर ट्रेन और एक मालगाड़ी के मलबे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण 161 लोग मारे गए और 400 लोग टोक्यो जापान में घायल हो गए। 3 मई 1968, लंदन के मैरीलेबोन में नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में 18 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम द्वारा ब्रिटेन में पहला हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। 3 मई 1969, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई। 3 मई 1972, ऋतु बेरी एक भारतीय फैशन डिजाइनर है। 1999 में पेरिस में एक फैशन शो करने वाली पहली भारतीय डिजाइनर थी, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। 3 मई 1973, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत शिकागो में सीएस टॉवर, जिसकी ऊंचाई 1451 फीट, लोगों के लिए खोल दी गई। 3 मई 1976, पैन एम 747 SP न्यूयॉर्क में उतरा, जिसने पृथ्वी के अपने परिभ्रमण के लिए 46 घंटे 50 सेकंड के विश्व उड़ान गति का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 3 मई 1981, नरगिस दत्त, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 3 मई 1985, मनप्रीत सिंह पवार, एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी और मई 2017 से भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान, इस दिन पैदा हुए। 3 मई 1986, श्रीलंका में कोलंबो हवाई अड्डे पर एयर लंका फ्लाइट 512 में बम विस्फोट के बाद 21 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए। 3 मई 1989, विक्रम सिंह राव द्वितीय पौर, वर्तमान उपाधिधारी और देवास सीनियर के 10वें महाराजा हैं। वो मराठा पुअर राजवंश के वंशज हैं, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। 3 मई 1998, यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला हुआ। 3 मई 1999, भारत की ओर पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ का परिणाम कारगिल युद्ध में हुआ। 3 मई 2002, भारत में जलंधर, पंजाब में एक सैन्य मिग 21 विमान एक बैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 8 की मौत हो गई, 17 घायल हो गए, पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 मई 2003, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 3 मई 2005, भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ। 3 मई 2008, जमशेदपुर स्थित भारतीय स्टील प्रमुख टाटा स्टील लिमिटेड यानी टिस्को को यूके में कोयले की खान का पहला लाइसेंस मिला। 3 मई 2013, चीन के शेडोंग प्रांत में करीब 16 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म झींगे को गांव के पास खुदाई में मिले हड्डी और अंडों के अवशेष हैं। 3 मई 2016, फोर्ट मैकमुरे अल्बर्टा कनाडा में 88,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया, क्योंकि जंगल की आग ने समुदाय को चीर डाला, जिससे लगभग 2,400 घर और इमारतें नष्ट हो गई। 3 मई 2018, भारत सरकार ने पुष्टि की है कि पिछले 9 दिनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी में लगभग 110 लोगों की मौत हो गई है।
हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और अपने पेशे के अभ्यास में अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। विश्व हंसी दिवस भी हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। 1998 में दुनिया भर में हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा मुंबई में पहला उत्सव मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी संगठन विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन करता है। ये दुनिया भर में अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।